मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 31-31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने खेल भले ही हारा हो, लेकिन उन्होंने देश का दिल जीता है। इतिहास रच दिया, 13 साल के बाद गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी लेके आए। नीरज की जिद, जुनून और जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। सारा देश गौरवान्वित है, देश का मान सम्मान और शान नीरज ने बढ़ाई है। नीरज, बहुत बहुत बधाई। हमारी महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। वो खेल में भले हार गई हो, लेकिन देश का दिल उन्होंने जीता है। हमने ये फैसला किया है कि महिला हॉकी टीम की सभी सदस्य व्यक्तियों को 31-31 लाख रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। बेटियों को बहुत शुभकामनाएं, वो भविष्य में जीतेंगी, ये मेरा विश्वास है।